हेलो दोस्तों, मैं आप सबके सामने एक नया रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इस रेसिपी का नाम है मटन रेशमी कबाब। मटन रेशमी कबाब में क्या क्या मसाले लगेंगे, कैसे बनेगा, ये सब मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल पे दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने 3 kg के करीब में मटन लिया है और ये मटन का लेग पीस है, जिसको रान का पीस हम लोग बोल सकते हैं। और मैंने मटन को पीस कर लिया और स्लाइस पीस इसलिए कि हम आज बनाने वाले हैं रेशमी कबाब, और रेशमी कबाब बनाने के लिए इसको स्लाइस पीस करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम अब थोड़ा थोड़ा कूट लेते हैं पत्थर से। कूटना कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम मिलाते हैं तंदूरी मसाला, काजू का पीसा हुआ पेस्ट, 100 ग्राम के करीब में खट्टा दही, 100 ग्राम के करीब में अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम डालेंगे, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 100 ग्राम के करीब में चना का सत्तू हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, 50 ग्राम के करीब में हम इसमें कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल करेंगे, 1 teaspoon गरम मसाला, 4 teaspoon के करीब में हम ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से हम इसे कुछ देर मिलाएंगे ताकि मसाले का जो भी जूस हो ये मटन के हर कण कण में ढुक जाए, ताकि बहुत ही टेस्टफुल हो। तो दोस्तों, इसे हम मिला के उसके बाद से इसको हम मैरिनेशन के लिए करीब करीब 2 घंटा तक हम ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। कबाब को सेकने के लिए मैं लकड़ी का कोयला का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि लकड़ी के कोयले पे ही कबाब अच्छा होता है। 2 घंटा कंप्लीट हो गया है और मटन के अंदर मसाला अच्छी तरह से मिल गया है। तो चलिए हम मटन का सीक बना लेते हैं। सीख बनाना कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम सरसों का तेल जो है इसमें हम लगा देंगे, ताकि जब हम सीख बनाएं तो ये बेहतरीन तरीके से पक जाए और जले नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सरसों का तेल लगने से इसमें और भी टेस्ट आ जाता है। कोयले की आग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और इस पर हम सीख को रखेंगे, और हाथ पंखा यानी कि हैंड फैन से हम इसमें हीट देंगे और बारी बारी से इसे हम पलटते रहेंगे। लगभग रेशमी कबाब कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो आगे का प्रोसेस है कि कुछ देर पे इसे हम पलटेंगे, क्योंकि पलटने से और भी जहाँ जहाँ नहीं पका होगा वहाँ वहाँ पक जाएगा और भी टेस्टी होगा। हमारा ये रेसिपी दोस्तों आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें हमारा हौसला अफजाई करें। तो दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।